हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं छोटी मछली बनाने का बहुत ही आसान रेसिपी। इसे आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हो और ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिएगा मेरी रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। छोटी मछली की टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 700 ग्राम छोटी वाली मछली ले ली है। फ्रेंड, मछली को ना हमने अच्छे से धो के साफ कर लिए है। तो चलिए अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए इसमें हम एक बड़े चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चम्मच डालेंगे नमक। तो नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। फ्रेंड, एक टुकड़ा डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालने से ना मछली में जो एक स्मेल होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब हम नींबू का रस नमक हल्दी के साथ अच्छे से मछली को मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले के साथ हमने अच्छे से मछली को मिला ली है फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मछली को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हमने 1/4 कप के करीब सरसों का तेल को अच्छे से गरम कर लिए हैं। अब हम इसमें 1 चुटकी के करीब नमक डाल के अच्छे से नमक को तेल के साथ मिला लेंगे। ऐसे करने से ना मछली फ्राई करते समय कढ़ाई के तले में चिपकता नहीं है। अब हम जितना तेल में मछली लेगा उतना मछली को डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। या फिर हमें मछली को तब तक फ्राई करना है जब तक हमारा मछली एक साइड लाल लाल ना हो जाए। तो इधर हमारा मछली फ्राई हो रहा है फ्रेंड, तब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं। मसाले के लिए एक मिक्सी के जार में हम 1 बड़े चम्मच जीरा ले लेंगे और 20 से 25 लहसुन की कलियां ले लेंगे। तो लहसुन की कलियां थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें फ्रेंड। लहसुन की कलियां ज़्यादा डालने से ना मछली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच के करीब काली मिर्च डालेंगे और 4 से 5 डालेंगे हरी मिर्च और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारा मसाला का फाइन पेस्ट बनके तैयार है। और इधर हमारा मछली भी एक साइड अच्छे से फ्राई हो गया फ्रेंड। तो देख सकते हो मछली जो है कढ़ाई के तले में चिपका नहीं है, कितना इजी से निकल जा रहा है। इसमें जो हम नमक डाले थे ना उसी की वजह से। अब हम दूसरे साइड भी मछली को अच्छे से फ्राई होने देते हैं। तो दोनों साइड से हमने मछली को लाल लाल करके फ्राई कर लिए हैं फ्रेंड। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम सारे मछली को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, सारे मछली को हमने फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसका ग्रेवी बना लेते हैं। तो मछली को फ्राई करने के बाद तेल थोड़ा कम हो गया था फ्रेंड, तो ग्रेवी के लिए इसमें हम 1 बड़े चम्मच और तेल डाल के तेल को अच्छे से गरम कर लिए हैं। अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच 5 फोड़न डाल देंगे और जैसे ही 5 फोड़न अच्छे से चटक जाए जो मसाला का पेस्ट बना के रखे थे ना उसे डाल के इसे हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला का जो कच्चा फ्लेवर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिए फ्रेंड, मसाले का जो कच्चा फ्लेवर है ना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसी के साथ हम कुछ सूखे मसाले और डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 1 छोटे चम्मच नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 बड़े चम्मच भर के डालेंगे कम तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम मसाले के साथ टमाटर को चला तो हुए तब तक भुनेंगे जब तक टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मसाले के साथ हमने टमाटर को अच्छे से भून लिए फ्रेंड। तो देख सकते हो टमाटर हमारा अच्छे से मैश हो गया है और मसाले के किनारे से तेल भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे और अच्छे से हम ग्रेवी के साथ मसाले को मिला के ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें फ्राई किए हुए सारे मछली को डाल देंगे। तो
तो सारे मछली को हमने ग्रेवी में डाल दिए हैं फ्रेंड। अब हम अच्छे से मछली को ग्रेवी के साथ मिला लेंगे। इसके बाद इसे हम खुला में 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ज़्यादा हमें मछली को पकाना नहीं है फ्रेंड, वरना मछली जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे हमें सिर्फ 2 मिनट ही पका लेना है। तो मछली को हमने खुला में 2 मिनट के लिए पका लिए फ्रेंड। अब हम इसमें ढेर सारे बारीक कटे हुए हरे धनिए डाल देंगे। हरे धनिए डालने से ना मछली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ग्रेवी में हमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है फ्रेंड, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे और हल्के हाथों से हम चलाते हुए धने पत्ते और नमक को अच्छे से मछली के ग्रेवी के साथ मिला लेंगे, ताकि मछली टूटे ना। तो हमने अच्छे से नमक और धनिया पत्ते को मछली के साथ मिला लिए हैं फ्रेंड। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को ऑफ करके मछली को हल्का सा ठंडा होने देते हैं, ताकि ग्रेवी अच्छे से सेट हो जाए। तो मछली हल्का ठंडा हो गया फ्रेंड, और देख सकते हो ग्रेवी का टेक्सचर देखने में कितना लाजवाब दिख रहा है। तो इस तरह से ना छोटी मछली करी आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हो, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी के साथ खा सकते हो फ्रेंड। तो ये छोटी मछली करी की रेसिपी आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ हमें कॉमेंट पर बताना ना भूलें। अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय।